जय श्री राधे, हर हर महादेव। मित्रों, आज हम आपके लिए संतान सप्तमी की संपूर्ण विधि और व्रत का एक वीडियो लेकर के आए हैं। यह व्रत संतान प्राप्ति एवं संतान रक्षा के उद्देश्य से किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि संतान सप्तमी व्रत के प्रभाव से संतान के समस्त दुख और परेशानियों का स्वतः ही निवारण हो जाता है। यह व्रत हिंदू धर्म के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन मनाया जाता है, अर्थात शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि में मनाया जाता है। वर्तमान 2020 में यह व्रत 24 अगस्त सोमवार के दिन मनाया जा रहा है। इसे ललिता सप्तमी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत पूजा दोपहर तक पूर्ण कर ले तो बहुत श्रेष्ठ रहता है। इस व्रत की सरल विधि हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। संतान सप्तमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्रों को धारण करें, भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम करें, व्रत का संकल्प लें, पूर्ण शुद्धता के साथ प्रसाद तैयार कर लें। इसमें खीर, पूरी, गुड़ के साथ हुए या साथ मीठी पूरी तैयार कर लें। पूजा दोपहर तक पूर्ण कर लें। पूजा के लिए धरती पर चौका बना करके उस पर पूजन की एक चौकी रख लें, फिर उस पर शिव पार्वती की मूर्ति स्थापित करें। अब कलश स्थापित करके उसमें पत्ते रखें तथा नारियल भी। आरती की थाली तैयार कर लें, जिसमें हल्दी, कुमकुम, चावल, कपूर, फूल, कलाबा आदि रखा हो। इसके बाद दीपक प्रज्वलित कर लें। अब सात मीठी पूड़ी को केले के पत्तों में बांध करके उसे पूजा में रखें और संतान की रक्षा व उन्नत मार्ग के लिए प्रार्थना करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती को कलाबा अर्पित करें। पूजा करते समय सूती का डोरा या संतान सप्तमी की चूड़ी हाथ में पहननी चाहिए। यह व्रत माता पिता दोनों भी संतान की कामना के लिए कर सकते हैं। पूजन के बाद धूप, दीप, निवेद्य अर्पित कर संतान सप्तमी की व्रत कथा पढ़ें या सुनें। तदउपरांत पुस्तक का भी पूजन करें। व्रत खोलने के लिए पूजन में चढ़ाई गई मीठी सात पूरी खाएं एवं व्रत खोलें। अथ व्रत कथा। संतान सप्तमी की कथा पति पत्नी साथ मिलकर के सुने तो अधिक प्रभावशाली माना जाता है। इस चमत्कारिक व्रत का वर्णन भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर के सामने किया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस व्रत का उल्लेख बहुत समय पहले लोमश ऋषि ने उनकी माता और उनके पिता देवकी वसुदेव को कह सुनाया था, जो इस प्रकार है। एक समय मथुरा नगरी में परम तेजस्वी लोमश ऋषि का आगमन हुआ। मेरे माता पिता ने भक्ति पूर्वक उनका आदर सत्कार एवं सेवा भाव किया। लोमश ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से मुक्ति का आदेश दिया। कहा, हे देवकी, कंस ने तुम्हारे कई पुत्रों को पैदा होते ही मारकर तुम्हें अपार पुत्र शोक की व्यथा दी है। इस शोक की और दुख की अग्नि से बाहर निकलने के लिए संतान सप्तमी का व्रत करो। राजा नहुष की रानी चंद्रमुखी ने भी यह व्रत किया था, तब से उसके पुत्र भी नष्ट नहीं हुए। यह व्रत तुम्हें भी पुत्र शोक से मुक्त करेगा। देवकी ने कहा, ऋषिवर, मुझे इस व्रत का पूरा विधि विधान बताने की कृपा करें, ताकि मैं विधि पूर्वक व्रत संपन्न कर सकूं। लोमश ऋषि ने कहा, देवकी, इस व्रत का पूजन विधान और कथा इस प्रकार से है।
नहुष अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उनकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उनके राज्य में विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उनकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती में परस्पर गहरी मित्रता थी। आपस में घनिष्ठ प्रेम भी था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने गई। वहां अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। स्नान के बाद उन स्त्रियों ने वहां भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा बना करके विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों से व्रत का नाम पूजन विधि पूछी। उन स्त्रियों में से एक ने बताया, हमने पार्वती सहित शिव की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांध करके हमने संकल्प किया है कि जब तक जीवित रहेगी तब तक यह व्रत करती रहेगी। यह मुक्ताभरण व्रत सुख तथा संतान देने वाला है। उस व्रत की बात सुन करके उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिवजी के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु महल पहुंच करके चंद्रमुखी संकल्प भूल गई, उधर रूपवती भी भूल गई। फलतः जब दोनों की मृत्यु हुई तो रानी चंद्रावती बानरी तथा रूपवती मुर्गी बन करके कहीं जन्मी। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़ करके पुनः मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने पुनः एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी जो रूपवती थी उसका नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राज पुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों सहेलियों के मध्य बड़ा प्रेम भाव था। व्रत भूलने के कारण ही रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। प्रौढ़ अवस्था में उसने एक गुंगा तथा बहरा पुत्र जन्म, मगर 9 वर्ष के बाद वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा था, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में ईर्ष्या ने जन्म ले लिया। उसने भूषणा को विदा करके उसके पुत्रों को भोजन के लिए बुलवाया और भोजन में विष मिला दिया। परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उनकी रक्षा हो गई और उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। इससे रानी को और भी अधिक क्रोध आ गया। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जा करके गहरे जल में धकेल दिया जाए। किंतु इस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान शिव एवं माता पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषणा के बालक बचे। इसके बाद रानी ने जलादों को बुला करके आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर ले जा करके मार डाले। किंतु इस बार भी वे विफल रहे। यह सूचना मिलने पर रानी को घोर आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुला करके सारी बातें बताई और फिर क्षमा याचना करके पूछा कि किस प्रभाव से तुम्हारे पुत्रों की रक्षा होती रही। भूषणा बोली, महारानी क्या आपको पूर्व जन्म की बातें याद नहीं है? रानी ने कहा, नहीं मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुष की महारानी थी और मैं तुम्हारी सखी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा पहन करके व्रत का संकल्प किया था, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गई और विभिन्न योनियों में भटकते भटकते फिर इस मनुष्य
जन्म को प्राप्त हुई है। मुझे उस व्रत की याद रही, इसलिए मैंने वह व्रत कर लिया। उसी के कारण मेरे पुत्र हुए और आपके द्वारा किसी भी तरह नष्ट नहीं हो सके। यह सुनकर के रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्ताभरण व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र स्वरूप यह व्रत प्रचलित हो गया। जय श्री राधे, हर हर महादेव।